भागलपुर में असामाजिक तत्वों के द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई, इसे भागलपुर पुलिस और स्थानीय लोगों ने नाकाम कर दिया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल रविवार की अहले सुबह विश्वविद्यालय ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत पर्वती मोहल्ले में उपद्रवियों के द्वारा पर्वती स्थित प्राचीन बुढ़िया काली मंदिर में पथराव किया गया, जिससे मोहल्ले के लोग काफी आक्रोशित हो गए। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि मुर्गियाचक मोहल्ले से ताजिया जुलूस निकाला गया था, जो पर्वती से होकर गुजरा और प्राचीन बुढ़िया काली मंदिर के समीप पहुंचते ही असामाजिक तत्वों ने मंदिर परिसर के भीतर पथराव किया और तलवारबाजी भी की, जिसमें मंदिर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर काफी संख्या में मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए, हालांकि तब तक ताजिया जुलूस निकल चुका था। स्थानीय लोगों के अनुसार घटना की सूचना एसएसपी को दी गई। वहीं सूचना मिलते ही एसएसपी आनंद कुमार भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मोहल्ले पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया। एसएसपी ने स्थानीय लोगों को आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। इस दौरान सुबह से ही मोहल्ले में लोगों की काफी भीड़ एकत्रित रही, जिससे स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। इसके बाद मौके पर विश्वविद्यालय ललमटिया और तातारपुर थाने की पुलिस कैंप कर रही है। वहीं घटना को लेकर काली मंदिर के अध्यक्ष कामेश्वर यादव भी पुलिस प्रशासन के साथ बैठक कर रहे हैं। इस दौरान सभी चौक चौराहों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घट सके। फिलहाल मोहल्ले वासियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब हो कि कामेश्वर यादव काली पूजा समिति के सदस्य भी हैं और विसर्जन शोभा यात्रा में सबसे अगले पायदान पर रहते हैं। वहीं प्राचीन मंदिर का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। पर्वती की प्राचीन बुढ़िया काली मंदिर की काफी मान्यता है और राज्य भर से श्रद्धालु यहां आकर चढ़ावा चढ़ाते हैं। इधर भागलपुर पुलिस ने आम लोगों से सोशल मीडिया पर फैल रहे अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और सतर्क रहने की अपील की है। चार निशान इस होकर के अखाड़ा जाता है, जो सबसे पीछे मुर्गियाचक था दो ढाई के बीच में, उन्होंने ही जो है करते धरते निकल गया है। मीटिंग में समाज के सब लोग बैठे हुए थे, कोई रोड जाम, कोई कुछ बोल रहे थे। एसडीओ साहब अभी तक नहीं आए हैं। माहौल तो समाज में देखिए रहे हैं, गर्म है। यही कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें, प्रशासन को अपना काम करने दें। वो गुंडा पकड़ा ही जाएगा, मुर्गिया चक्का है। संतोषजनक बात बताए हैं, वो आए हुए हैं, डीएम साहब भेजे हुए हैं, एसपी साहब भेजे हुए हैं। वही विश्वविद्यालय तो करवाने में इसका हाथ है ना, जो सब झूठ है, कागज में है, कलम में है, मुँह में है, बस दो को तीन को 10,000 आदमी के इसमें क्या करेंगे। भाग भाग गया है, लोग बोलते थे कि जब वो लोग बदमाशी करने लगा तो दो ठो पुलिस था, भाग गया। मंदिर में पूजा फिर से शुरू हुई है। हाँ, तो जो अफसर सब आए हैं तो कहा कि पूजा कीजिए, हम लोग से जो बन पाएगा हम लोग ढूंढ निकालेंगे क्रिमिनल को। भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधीनगर निवासी अजय शाह की पत्नी रीना देवी का शव कमरे में संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ है। शव को देखते ही इसकी सूचना कहलगांव पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इसको लेकर मृतका रीना देवी की मां ने बताया कि 4 साल पहले बेटी की शादी कहलगांव गांधीनगर के अजय शाह के साथ हुई थी और शादी के बाद से ही उसका दामाद और रीना का पति अपाचे मोटरसाइकिल की मांग करते हुए बेटी को प्रताड़ित भी करता था। मृतका की मां ने कहा कि रीना के साथ लगातार मारपीट की जाती थी और बीती रात भी पति के द्वारा उसकी पिटाई करने के बाद हत्या कर दी गई और सबको फंदे से लटकाकर सुसाइड का रूप देने का प्रयास किया गया। वहीं दूसरी ओर आरोपी पति अजय शाह ने कहा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की है और उस पर लगाया गया हत्या का आरोप गलत है। इधर पुलिस खुदकुशी और हत्या दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। और अपाची मांग रहा है, कौन अपाची लड़का मांग रहा है? हाँ। अपाची दीजिए ना, बेटी को मार देंगे। हाँ। बेटी को मारेंगे, अपाची दीजिए। जा बार बेटी हमरा आबे ले, मतलब बार पोंटी बेटी 10,000 5,000 6,000 दे चलिए बार बार। और अपाची मांग, अपाची नहीं देंगे बेटी को मार देंगे। हम अपाची कहाँ दीजिए, कहाँ देंगे हमारा कहना चाहिए, मुझे अपाची कहाँ दे दिए।
हमरा रिहा चाहिए यार, गुजना चाहिए हमरा। मार दिया बेटी को? हम बेटी को मार दिया। कौन? दामाद मार दिया। कैसे मारा? बेटी खून पहले तड़पा तड़पा के मारा रूम में, तड़पा तड़पा के रूम में मारा, बेटी गल्लो काट दिया, दाग 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 ही दिया धीपा धीपा को। मुहर्रम को लेकर भागलपुर में सिया समुदाय की ओर से मातमी जुलूस निकाला गया, जहां भारी संख्या में मुस्लिम सिया समुदाय के हजारों लोगों ने मातम मनाया। इस दौरान मातमी जुलूस में असानंदपुर से शाहजंगी मेला मैदान के लिए सिया समुदाय के लोगों ने अल्लाह को याद करते हुए इबादत की और मान्यताओं के अनुसार अपने शरीर को यातना देकर मातम मनाया। वहीं सिया समुदाय के सैयद जीजा हुसैन ने बताया कि सिया समुदाय की ओर से निकाले गए मातमी जुलूस में असानंदपुर के सैकड़ों सिया समुदाय के लोग मौजूद थे। ये इमाम हुसैन जो करबला में शहीद हुए थे, उनकी याद में हम लोग मजलिसों मातम और नौहा पढ़ते हुए जा रहे हैं और शाहजंगी स्थित करबला में हम लोग का पैगाम कर दिया जाएगा। ये इमाम हुसैन ने जो शहादत दी थी वो इंसानियत को बचाने के लिए दी थी और इस्लाम को उन्होंने बचाया अपने और अपने 72 रिश्तेदारों की शहादत देकर इस्लाम धर्म को ताक़यामत तक बचाया। बिहार में जमीन विवाद को लेकर प्रतिदिन आपराधिक घटनाएं हो रही है। कमजोर लोगों की जमीनों पर दबंगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। वहीं जब पीड़ित अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, बल्कि पुलिस भी दबंगों के साथ मिलकर पीड़ित को ही जेल में बंद करने की बात कहते हैं। ताजा मामला नवगछिया के परवत्ता थाना क्षेत्र राघोपुर पंचायत के बड़ी अलालपुर गांव का है। बड़ी अलालपुर गांव निवासी स्वर्गीय अधिकलाल ठाकुर के पुत्र गोपाल ठाकुर ने गांव के ही दबंग पर अपनी जमीन कब्जा कर लेने का आरोप लगाया है। गोपाल ठाकुर ने बताया कि परवत्ता पुलिस के सामने अंचल अपील से माफी कराने के बाद उसने अपनी जमीन पर पिलर गाड़ दिया, लेकिन गांव के ही दबंग नंदकिशोर मंडल उर्फ जय किशोर, सुरेंद्र मंडल उर्फ हरिकिशोर, हरिनंदन मंडल उर्फ देवचंद्र सहित कई लोगों ने पुलिस की मिली भगत से मेरे पिलर को काट कर हटा दिया है। गोपाल ने बताया कि जब इसकी शिकायत करने थाने गए तो पुलिस वालों ने उसे ही डांटकर थाने से भगा दिया। गोपाल ने बताया कि दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जे की सूचना आवेदन के माध्यम से पुलिस जिला नवगछिया के वरीय अधिकारी और भागलपुर जिला अधिकारी से की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। पीड़ित ने बताया कि अधिकारियों को आवेदन देने के बाद अब दबंग उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। गोपाल ने नवगछिया SP और SDO से न्याय की गुहार लगाई है। ग्राम बड़ी लालपुर पोस्ट राघोपुर थाना परबत्ता जिला भागलपुर अंचल खरी। मेरा खानदानी जमीन है खटियानी और मेरे ऊपर जबरन घर बनाया जा रहा है, मेरे को बनाने नहीं दे रहा। नंदकिशोर मंडल, हरकिशोर मंडल, देवचंदर मंडल, धर्मेंद्र मंडल, जितेंद्र मंडल कह रहा है कि तुम्हारा बारे कितना जमीन है, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, कागज भी है सर। सर हर जगह शिकायत के DIG के पास किए सर, आयुक्त कार्यालय में दिए, उसके बाद DM के यहाँ दिए, अंचल में दिए, थाना परवत्ता में दिए, नवगछिया SP साहब को यहाँ दिए, कुछ नहीं हुआ सर, कोई सुनवाई नहीं। अगला पार्टी बोल रहा है कि तुम्हारा 12 डिसमल जमीन है, तुमको नहीं बनाने देंगे। झगड़ा वगैरह सर हम अकेले नहीं है, भाई में भी अकेले है, पापा भी नहीं है, हम उससे कैसे लड़ पाएंगे सर? अगर बनाने के लिए जाते हैं तो वो लोग उधर से मारने के लिए दौड़ जाता है पूरा परिवार। भागलपुर के पर्वती बुढ़िया काली स्थान में ताजिया जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई पत्थरबाजी और तोड़फोड़ मामले को लेकर भाजपा नेता सह भागलपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रोहित पांडे ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। खरमनचक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे ने मुहर्रम या किसी समुदाय के त्यौहार पर सुरक्षा और सतर्कता बरतने के साथ शांतिपूर्वक माहौल में जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा त्यौहार संपन्न कराए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार और जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई है, जिससे दो समुदाय के बीच भारी तनाव की स्थिति बन गई। लेकिन प्रसिद्ध पर्वती बुढ़िया काली मंदिर में हुई पथराव के बाद भी आक्रोशित लोगों ने सूझबूझ का परिचय दिया, जिससे स्थिति को अधिक बिगड़ने से रोका जा सका। रोहित पांडे ने कहा कि मंदिर में पथराव ताजिया जुलूस में शामिल असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया, जो सामाजिक सद्भाव और शहर की शांति व्यवस्था के लिए सही नहीं है।
उन्होंने कहा कि भागलपुर में आपसी सद्भाव के साथ सभी त्यौहार मनाया जाता है और इस घटना में सामाजिक और सामाजिक तत्वों की पहचान कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भारतीय जनता पार्टी करती है, जिससे शहर की शांति व्यवस्था भंग नहीं हो। मौके पर शरद सलारपुरिया और दीपक शर्मा ने भी समुदाय के लोगों के बीच आपसी सद्भाव कायम रखने के लिए सरकार और प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ आम लोगों से भी कानून सम्मत कार्रवाई करने और एक दूसरे का सम्मान और संयम बरतने की बात कही। लंबे समय से ये देखते आ रहे हैं कि बिहार हो या इस देश के अंदर कहीं भी भाजपा शासित राज्य जहां जा रही है वहां वहां इस प्रकार की घटना नगण्य या नहीं के बराबर देखने को मिलती है, लेकिन जब जब ऐसे लोगों के हाथ में सरकार जाती है, भाजपा को लोग सांप्रदायिक कहते हैं, लेकिन भाजपा के शासनकाल में सबसे कम सांप्रदायिक दंगे हुए हैं या कोई इस प्रकार के समाज में तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो या सबसे कम घटनाएं घटित हुई हैं। अगर खुदा न खास्ते कभी घटित कहीं हुई भी हैं तो सरकार ने तत्परता से उस पर कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार करने का या फिर उसको चिन्हित करने का काम किया है। लेकिन आज क्या कारण है कि जब जब राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली सरकार होती है या जदयू जब जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कहीं अन्य जाती है तो इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती हैं। क्या सरकार सोची समझी साजिश के तहत यह जो एक तुष्टिकरण की राजनीति करने का जो काम करती है कहीं यह इसी ओर एक कदम तो नहीं है? धार्मिक जितने भी धार्मिक जुलूस निकलते हैं उन त्योहारों पर प्रशासन सही तरीके से पुलिसिंग की व्यवस्था करे, उसकी जितने भी सेंसेटिव क्षेत्र हैं वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, और जो इस बार लापरवाही देखने को मिली है कि पूरे शहर में उस जुलूस के दौरान एक भी पुलिस के पदाधिकारी नहीं थे, आगे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो और 24 घंटे के अंदर जो दोषी हैं उनको चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी भागलपुर प्रशासन करे, यह डिमांड है। और अगर यह नहीं होता है, 24 घंटे के अंदर ये गिरफ्तारी नहीं होती है, तो जो भी लोकतांत्रिक तरीके से जो भी विरोध में प्रशासन के विरोध में या उनकी गिरफ्तारी को लेकर लोकतंत्र के दायरे में जो भी आंदोलन चलाना होगा वह हम लोग चलाएंगे। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोहड़ा गांव के जंगली महादेव स्थान से घंटा चोरी करते हुए एक साथ तीन चोर ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। बताया जा रहा है कि बाईपास स्थित जंगली महादेव स्थान काफी प्रसिद्ध दैविक स्थान है और यहां स्वतः वृक्ष के खोलड़ में महादेव की प्रतिमा उत्पत्ति हुई है। मान्यता है कि इस महादेव स्थान में श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण होती है और भक्त महादेव पोखर स्थित इस वृक्ष में मन्नत के लिए घंटा बांधते हैं। वहीं घंटे की चोरी करते समय मणिकपुर निवासी मनीष कुमार, चौधरीडी निवासी अभिषेक कुमार और रामजीत को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि मनीष कुमार का आपराधिक इतिहास भी रहा है और वह हाल ही में जेल से बाहर आया था, जबकि वह हथियार के साथ रील बनाने के भी शौकीन है। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची लोदीपुर पुलिस ने तीनों चोर को गिरफ्तार कर थाने ले गई और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इनको जो है 12 बजे रात को ही चोरी को पकड़ा है, 12:30 बजे रात को, और इसको जो है पकड़ के लाया गांव का 10 आदमी लाया इसको यहाँ। हम यहाँ पर जो है इसको 12 बजे रात से ही चोर रहे हैं, 12 बजे रात से, हाँ 12 बजे रात से ही पकड़ के इसको लाया। रात में तो नहीं बोला कहाँ पकड़ाया था, तो वहीं भोला बाबा मंदिर के पास। कहाँ पर है वो स्थान? बाईपास के बगल में। तो वो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, हम लोग का जंगली महादेव है। वो हम लोग का हौस न है, हमारा बाप दादे को भी हौस न है, जब से वो महादेव। तो वहाँ से क्या चोरी कर रहा था मंदिर से? घंटी करीब 7-8 घंटी चोरी हो गया। तो कितना दाम होगा घंटा का? घंटी का कम से कम जो है 3-4 किलो का तो घंटी का वजन था। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अगरपुर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर घर की छत को क्षतिग्रस्त
कर देने का आरोप लगाया है। वहीं घटना को लेकर इंग्लिश लाइन अगरपुर निवासी मोहम्मद जावेद आलम के पुत्र मोहम्मद तबरेज ने बताया कि पड़ोसी मोहम्मद इफरान के साथ उनका जमीन विवाद चल रहा है, जिसका मामला कोर्ट में लंबित है। तबरेज ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर मोहम्मद इरफान अपने सहयोगियों के साथ उसके घर पर हमला कर दिया और परिवार वालों के साथ मारपीट भी की, जिसके बाद काफी संख्या में गांव वाले शोर शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे तो मोहम्मद गुफरान और उसके सहयोगियों ने ग्रामीण के सामने ही उसके घर में लगे चदरे को तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि मोहम्मद गुफरान एक आपराधिक प्रवृत्ति का युवक है, जो हमेशा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मारपीट करता है। घटना के बाद पीड़ित तबरेज ने मामले की लिखित शिकायत लोधीपुर थाना पुलिस से की है। इधर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मेरे पड़ोसी मोहम्मद इरफान जो है, कल फर्स्ट मुंसर में हमारा गवाही वगैरह का था, वहां से आने के बाद जो है पूरे परिवार के साथ हमारे घर में घुस करके पूरे परिवार के साथ मारपीट किया है। और उसके बाद हमारा चदरा जो चढ़वाए थे, बैंक से लोन लिए थे, HDFC बैंक से 70,000 का लोन लिए थे, लोन लेकर के हम चदरा चढ़वाए। चदरा चढ़वाने के बाद जो है ये लोग घर से उजाड़ने के मकसद से पूरे घर भर से मारपीट किया है और उसके बाद चदरा पूरा उखाड़ दिया है। सर, जमीन विवाद लेकर के जो है ये बार बार मामला कर रहा है। इससे पहले मेरा छप्पर था, छप्पर को चूरा है, बार बार आकर के छप्पर चूर देता था, इसीलिए हम बैंक से लोन लेकर के चदरा चढ़वाए। चदरा चढ़वाने के बाद भी मेरा सारा चदरा चूर दिया। अभी बरसात का मौसम है सर, हम लोग कहाँ जाएंगे। और उसके बाद लोधीपुर थाना को हम FIR किए, छोटा बाबू आए थे घटनास्थल पर, हम लोग वो भी देखें, पूरा समाज लोग देखें, सब लोग देखें इस चीज़ को कि क्या क्या इन लोग के साथ हो रहा है। हम चाहते हैं हमको न्याय मिले बढ़िया से, इसलिए कि बार बार हम लोग को परेशान किया जा रहा है। इसलिए लोधीपुर थाना को भी हम बोले हैं कि सर हमारा जो है चदरा उदरा चढ़वा दिया जाए, बरसात में हम लोग कहाँ जाएँगे, किसके पास जाएँगे। बिहार में राजनीतिक परिवेश से ताल्लुक रखना काफी अहम माना जाता है। यहाँ लोगों का ऐसा ही मानना है कि नेताओं की हनक कानून व्यवस्था से भी ऊपर है। यही कारण है कि लोग चुनाव के वक्त अपने समाज को विकसित और बेहतर बनाने के लिए जनप्रतिनिधि का चयन करते हैं, लेकिन अधिकार जब गुरूर बन जाए तो वही जनप्रतिनिधि अपनी ही जनता को पैरों तले रौंद देते हैं। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड से मुखिया की दबंगई सामने आई है। हरिनकोल पंचायत के लोगों ने कहा कि स्थानीय मुखिया दीपक सिंह के द्वारा महिलाओं पर बर्बरता की गई है। इस घटना में 18 साल की युवती गायत्री कुमारी घायल हो गई है, साथ ही उसके अलावा मुन्नी कुमारी, सुधा देवी, लिट्टू पासवान सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि पूरा मामला जमीन विवाद का है। घायल लड़की ने बताया कि उसके पिता राम पुकार पासवान उर्फ भगत जी का 4 बीघा जमीन है और पिछले 20 सालों से उन्होंने मोटी रकम देकर जमीन खरीदी है, जबकि मुखिया दीपक सिंह जबरदस्ती पासवान टोला के लोगों को जमीन खाली करने का दबाव बनाता है। इसी कड़ी में ग्रामीणों का कहना है कि महिलाएं और लड़कियां आज घास काटने के लिए खेत में गई थी, तभी दीपक सिंह ने अपने लठेतों के सहारे महिलाओं को धमकाया, फिर बेरहमी से मारपीट की। महिलाओं ने मुखिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके समर्थकों ने पहले तो उन्हें जाति सूचक गाली दी और उसके बाद लाठी डंडे से उनकी पिटाई कर दी। फिलहाल घायल महिलाओं को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ चिकित्सकों द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। घटना में गायत्री को गंभीर चोट आई है, जिसका इलाज जारी है। ग्रामीणों ने कहा कि इस मसले को लेकर पूर्व में भी पीरपैंती थाने में लिखित आवेदन दिया गया था, लेकिन मुखिया की दबंगई के आगे पुलिस की एक भी नहीं चली, जिसके बाद थक हार कर वो लोग SSP कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। महिलाओं ने कहा कि जमीन उनकी, बोए हुए लोग, और जब फसल काटने की बारी आए तो दूसरा काट कर क्यों ले जाएगा। साथ ही कहा कि वे लोग गरीब मजदूर हैं और इसी तरह से पेट पल रहा है, लेकिन दबंग मुखिया दीपक सिंह उनकी खरीदी हुई जमीन को कब्जा कर वहां पर प्लॉटिंग करना चाह रहा है। पीड़ित ग्रामीणों ने इस संदर्भ में पुलिस से जाँच करने और मुखिया पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हमको बहुत मतलब मारा पीटा, उन लोग बोलता है कि जो हम कहेंगे वही करो, वही मुखिया लोग बोलता है, मुखिया बोला खुद। क्या नाम है मुखिया का? मुखिया का दीपक सिंह। क्या किया तुम्हारे साथ? क्या किया, हम घास काट रहे थे खेत में तो
गाड़ी लगा के खड़ा हुआ उसको भी देखे और उसका जो चमचा है उसको भी देखे। हम कुछ नहीं बोले, हम बोले कि रास्ता से जा रहे थे, हम क्यों टोकेंगे, वो हमको टोकेगा क्यों, हम उससे कोई झगड़ा है, तो हम कुछ नहीं बोले। फिर घास काटने लगे, इसके बाद वो देखते हैं कि आके मेरा मड़ई में खड़ा हो गया। हम फिर भी कुछ नहीं बोले, बोले रहने तो छाँव है, सब आता है रहता है। फिर हम कुछ नहीं बोले और जब आ करके हमको पूरा गाली गलौज करने लगा तो हम बोले क्यों गाली दे रहे, हम क्या किए हैं तुम्हारे साथ, हम अकेले हैं अभी क्यों कर रहा है इस तरह। क्या बोला गाली दे, क्या बोला? बोला रे तू साबिन भोसड़ी इधर आ, तो हम ये गाली दिया तब हम आए, इतना गाली दे रहे थे हम मतलब माटिया दिए थे, कुछ नहीं सुने। वही हुआ था वहाँ पे खेत में घास कर रहे थे, हाँ। लोग आया अपने से मारने लगा, दीपक सिंह था और अती था करमन था, दोनों मिलके मारने लगा। घर में कोई ना था, हम लोग उस पर सबको बुलाने गए सबको। दीपक सिंह कौन है? मुखिया है गांव का मुखिया पैसा करता है। क्यों मारा वही मारा। अच्छा कौन कौन थी उस समय में, जिस समय सबको? भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलकपुर गांव निवासी आंगनवाड़ी सहायिका मौसमात सरिता देवी को 3 दिन पूर्व गांव के ही दबंगों के द्वारा छेड़खानी कर लाठी डंडे से पिटाई करने का मामला सामने आया था, जबकि अब तक इस मामले में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने की बात पीड़ित पक्ष के द्वारा कही जा रही है। बताया जा रहा है कि जदयू अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष महेश दास ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरी घटना के बारे में जानकारी ली और मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। वहीं इसको लेकर जदयू नेता महेश दास ने बताया कि गांव के दबंग युवकों के द्वारा तिलकपुर आंगनवाड़ी में मौसमात सरिता देवी के साथ छेड़खानी करते हुए बेरहमी से लाठी डंडे से मारपीट की गई, जिससे महिला घायल हो गई। लेकिन इसके बाद पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के बावजूद गाँव के दबंग युवकों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा नहीं की गई। साथ ही गाँव के दबंग युवकों के द्वारा पीड़िता आंगनवाड़ी सहायिका मौसमात सरिता देवी को घर में घुस करके उठाने की धमकी देने की बात भी सामने आई है। बता दें कि पुलिस के द्वारा गांव के दबंग युवकों की गिरफ्तारी नहीं किए जाने से पीड़ित पक्ष के बीच भय और आक्रोश का माहौल है, जिसको लेकर डीआईजी एसएसपी और डीएसपी समेत सुल्तानगंज थाना प्रभारी से पीड़ित पक्ष ने गांव के दबंग युवकों की गिरफ्तारी करने की मांग की है। साथ ही ऐसी घटना दोबारा ना हो यह सुनिश्चित करने की भी बात कही है। आया डॉक्टर, ये लोग आया सुबह में कि चलो मेरे साथ में मेल करने के लिए, तो हम बोले ना जाएंगे, बोला कि ना जे मैं तो फिर अभी दुबे सिला पर लो ना, अभी कितना सिला पर तो पटना एम से चल दीज में ठीक है। लालू कुमार और लालवे कुमार ही लोग घर घर आया था, हाँ। इसके पहले मारपीट हुई थी, हाँ। किसके कौन कौन मारा था आपको? लालू कुमार, रूपेश कुमार और किसे पुतला कुमार। क्यों मारा था? हम स्कूल जा रहे थे। ये सरिता देवी नाम की ये महिला है, इनके साथ यहाँ क्या इसी समाज के लोग, कुछ लोगों ने मिलके बदसलूकी किया, उसके बाद इसके साथ मारपीट किया और फिर हमको पता चला, एफआईआर भी हुई है, सुल्तानगंज थाना में रिपोर्ट किया गया है। उसके बाद फिर ये फ़ोन के माध्यम से हमको बता रही थी कि वो लोग मेरे घर पे आता है और धमकाता है, कहता है कि केस उठाओ नहीं तो इसको जो है फिर से इसको एम्स भेजेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? प्रशासन इस पर संज्ञान लेके तत्काल इसको गिरफ्तार करे। भागलपुर के मंदरुजा स्थित हकीम देवी प्रसाद ठाकुरवाड़ी गंगा धाम में रविवार को शिव चरित्र की कथा का आयोजन विख्यात रामायणी रघुनंदन ठाकुर के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, जिसके बाद भगवान कृष्ण, भगवान शिव और राम भक्त हनुमान के भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान कथाकार रघुनंदन ठाकुर ने कहा कि रामकथा कलयुग में मोर मोरनी की भांति व्यवहार में रखने वाला होता है और रामकथा सुनने मात्र से ही मनुष्य विवेक युक्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि लौकिक साधन से हमें सुख मिल सकता है लेकिन आनंद नहीं मिल सकता। कार्यक्रम का संचालन मदन ठाकुर ने किया, जबकि शिव चरित्र कथा कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था वैद्य देवेंद्र कुमार गुप्त और वैद्य लीला गुप्त ने की। मौके पर उर्मी लक्ष्मी, सुबोध मंडल, डॉक्टर जयंत जलत, पूनम श्रीवास्तव सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। एक आध्यात्मिक प्रेरणा जागृत करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रामचरित्र मानस के आधार पर शिव चरित्र की महिमा बताई गई है। शिव जी ने कैसे राम का गुणगान बखान किया है, उसके बाद हमारे आदरणीय विख्यात रामायणी
रघुनंदन ठाकुर जी ने बहुत ही अपने टीमों के साथ यहाँ प्रवचन दिया, लोग से बहुत प्रभावित हुए। हम ये देखते हैं कि लोग शारीरिक रूप से ज्यादा मानसिक रूप से व्याधि से ग्रस्त हैं, इसलिए सुशांत करने के लिए अध्यात्म की ओर आना अनिवार्य था। इसी को देखते हुए यहाँ अध्यात्मिक कार्यक्रम किया गया है।